अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय सिम्स किचन। आज जो हम आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है और बहुत कॉमन नहीं है। जो लोग सिंध में रहते हैं वो इसे जानते हैं। इसे हम जो है प्योरली नेचुरली जो है मशरूम्स कहते हैं, जो कि हमारे सिंध के डेजर्ट में पाए जाते हैं। नॉर्मली जो लोग इसको यूज़ करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये जो है ये ज़्यादा दिन रखने से जो है ये पाउडर बन जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है लोग उसको संभाल के नहीं कर सकते। उसको प्रिजर्व करने के लिए आज हम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले उसको पानी में वॉश करके इसको साफ़ कर लिया जाता है, और साफ़ करने के बाद हम एक नॉन स्टिक का बर्तन लेते हैं और उसमें इसे हम रख के सिर्फ और सिर्फ हम इसको जो है स्टीम करते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चराइज होता है, इसमें कुछ मॉइस्चर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कुछ भी ना लगाएं। और उसको जब आप ऐसे ही गर्म करते हैं तो इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत मिट्टी या कचरा लगा होता है वो बॉटम में स्टिक करता जाता है, और स्टिक करने की वजह से सारा कचरा जो है वो बॉटम पे स्टिक हो जाता है, और जिसकी वजह से जो भी वॉश करने में जो थोड़ी बहुत कचरा या मिट्टी बच जाती है वो इसके बॉटम पे लग जाता है। और हम इसको प्रीकुक करते हैं। प्रीकुक कितना करेंगे, ये अंदर तक के बिल्कुल प्रीकुक हो जाए, उससे क्या हो जाएगा, ये एक किस्म का बॉन्ड टाइप सॉलिड हो जाएगा। तो नॉर्मली आप देखते हैं मशरूम जो आपके प्रिजर्व हुए मशरूम जो आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो एक हार्ट शेप में होते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अब स्टिक करना शुरू हो गया है नॉन स्टिक पे, और इसके बॉटम में जितनी भी गंदगी है, जो भी मिट्टी वगैरह कुछ भी है वो स्टिक कर गया है, और अब हमारा मशरूम प्योरली साफ़ हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बट हम इसको पीसेस करेंगे। पीसेस करने के बाद हम आपको जो है बताएंगे कि ये किस तरीके से पीस होता है। अच्छा व्यूज़, अब हम इसको यहाँ सामने रखेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको किस तरीके से कट करके प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल स्लाइस करेंगे जैसे नॉर्मली आपने जो है देखा है मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं मशरूम्स पीसेस में। देखिए, हम अब इसको इस तरह बारीक बारीक लेयर्स बना रहे हैं, स्लाइस बना रहे हैं, और इस स्लाइस को बिल्कुल बारीक बारीक काट के हम इसको मुसलसल जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ शेल्फ में चाहे तो आप इसको जो है फ्रीज कर दें, चाहे तो आप इसको सिरके में भी जो है डिप करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा देखिए, ये हमने तकरीबन सारा स्लाइस कर लिया है, और इसके बाद इसमें से कुछ हिस्सा हम आपको एट अ टाइम जो है बताएंगे कि चले हम इसको हम बनाते हैं। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं मशरूम ऑमलेट। इसके लिए सबसे पहले हम जो है मशरूम को हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, मशरूम को आप फ्राई भी कर सकते हैं, और उसको आप जो है पहले स्टीम करके प्रॉपर तरीके से बॉईल करके पका भी सकते हैं, बट क्योंकि हम ऑमलेट बना रहे हैं और हर चीज़ फ्राई है तो हम मशरूम को भी थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी भी टेस्ट आए। यहाँ हमने साथ थोड़ा सा काले मिर्च ब्लैक पेपर ऐड किया है, क्योंकि ऑमलेट में ब्लैक पेपर बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी प्याज और हरे मिर्च, और इसको भी हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम भी डालने का इसको भी शेल फ्राई करेंगे। इसमें अब हम जो है दो एग जो है वो फेंट कर इसमें हम ऐड करेंगे, और इसको हम पहले इसके ऊपर ही हम एक लेयर बिछाएंगे एग की, ताकि एग को हमें मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े और वो इजीली एग इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है लेयर बना लें। और देखिए, ये हमने इसको एग को इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसको शैलो हल्का सा स्टीम करेंगे ताकि वो उसको बॉन्ड बना ले, ताकि अगर हम उसको फोल्ड कर सकें घुमा सकें तो ये हमें इजीली हो सके। ये हम इसको घुमा दिया है, ठीक है। और यहाँ देखें, आपको दिख रहा होगा कि मशरूम्स जो हैं वो क्रिस्पी ब्राउन है।
और ये हमारा जो है ऑमलेट तैयार है सर्विंग के लिए। और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको मशरूम प्रिजर्व करके रखने का तरीका आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी।